ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીની તૈયારીના ભાગરૂપે પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્મા દ્વારા સોમનાથના સાનિધ્યમાં સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની 54 બેઠકો માટે કાર્યકર્તા સાથે મહામંથન કરવાની તૈયારી કરી હતી। કોંગ્રેસના પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્માએ પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે હાલમાં કોંગ્રેસ છોડી રહેલા ધારાસભ્યો એવા છે કે જેઓને આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પક્ષ તરફથી ટિકિટ આપવામાં આવનાર નથી અને તેઓ જીતી શકે તેમ ન હોવાથી કોંગ્રેસ છોડી રહ્યા હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો। किसने क्या दाव खेला है वो सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं और धीरे धीरे सारी असलियत सामने आ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है, उनके पास पूरे मत है नहीं अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो ये सब नौटंकी इस देश में नई नहीं है। कर्नाटक में चुनी हुई सरकार को गिराया, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में सरकार जो कांग्रेस की थी, चुनी हुई सरकार को गिराने का खून मुंह लग चुका है बीजेपी को। उसके बाद राजस्थान में अटेम्प्ट किया, वहाँ इनकी मुंह की खानी पड़ी इनको, इनको कामयाबी नहीं मिली। ये कहाँ कर नहीं कर रहे हैं, ये तो बीजेपी अगर सीधे तौर पर सत्ता में नहीं आती है तो चूंकि उनके पास अपार धन संपदा है, ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए अनाप शनाप पैसा वो इकट्ठा कर रहे हैं। अभी मैं आ रहा था यहाँ, इस सोमनाथ जिले में क्या भव्य बीजेपी का दफ्तर बनाया है। एमएलए तो कांग्रेस के हैं चार, लेकिन दफ्तर शानदार बीजेपी का है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, जवाब देगा कोई कि बीजेपी इस 8 साल में रातों रात इतनी पैसे वाली हो गई कि देश के 350 जिलों में आपने अपने पार्टी के दफ्तर खड़े कर दिए। और हम 70 साल में, 70 साल हमने भी राज किया है, हम दफ्तर नहीं बना पाए क्योंकि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने गलत काम नहीं किया, हमने लोकतंत्र का सम्मान किया, हमने चुने हुए लोग सरकारों को सम्मान की दिया। बीजेपी सारी लोकतंत्र इसीलिए हम कह रहे खतरे में, और ये लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं।